तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो गाइस, मैंने कुछ दिन पहले मतलब वीडियो बनाया था एक वॉच के ऊपर, जो कि भाई ये वॉच था फायरबोल्ट का निंजा प्रो मैक्स। तो देख सकते हो ऐसा कुछ बॉक्स आया था मेरे को रिप्लेसमेंट होके। मैंने इससे जो पहले वाले वॉच था मेरे पास, उसको मैंने रिप्लेस किया था एंड ये मेरे को नया वॉच उन्होंने दिया था। देख सकते हो ऐसा कुछ है। तो ये भाई न्यू वॉच है। इससे पहले मेरे पास यही सेम वॉच था, बट वो वॉच भाई मैंने वाटर टेस्ट करने के चक्कर में, कंटेंट के चक्कर में मैंने खराब कर दिया उसे एंड भाई उसे मुझे लास्ट में रिप्लेस करना पड़ा था। तो आप लोगों ने भर भर के उस वाली वीडियो पे भाई कमेंट किया था एंड भाई प्यार भी अच्छा दिखाया था। 7.6 के समथिंग व्यू है। तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छे भाई कमेंट एकदम भर दिए थे भाई उस पर, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा भाई आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया। और भाई ऐसे ही मतलब सपोर्ट करो भाई, 1K जल्दी पहुँचा दो प्लीज़ एंड आप लोग का भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बट भाई आप लोग के काफ़ी सारे कमेंट तो आए, बट भाई काफ़ी ज़्यादा आप लोग को दिक्कत आ रही है, मुझे पता चला जैसा कमेंट पढ़ के सारे के एंड काफ़ी सारे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में उसी का जवाब देने वाला हूँ। हर एक कमेंट का देखता हूँ मैं, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है उसका मैं जवाब दूंगा आप लोग को, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। किसी का वॉच रिटर्न नहीं हो रहा, किसी को ये कन्फ्यूजन कि भाई वॉच में क्या क्या रिटर्न करना पड़ता, साथ में कैसे होता है। तो किसी को ये प्रॉब्लम था कि भाई ये वॉच जो हमने ब्लैक है जैसे मेरे पास रहा है एंड ये मुझे कलर चेंज मिलेगा कि नहीं रिप्लेसमेंट में, और बहुत सारे बंदे को भाई अलग अलग कैटेगरी के प्रॉब्लम थे। तो भाई सबका जवाब आज देंगे इस वीडियो में, और मैं ट्राई करूंगा भाई अच्छे अच्छे क्वेश्चन के आंसर देने की। तो देखो भाई यहाँ पे आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई आपका वॉच कितने दिन में रिटर्न हुआ था एंड नॉर्मल कितना दिन ये ले सकता है रिटर्न होने में। तो देखो भाई मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भाई एक सप्ताह के अंदर रिटर्न हो गया था। तो यानी मेरे को भाई रियल में बताओ तो मुझे 3 डेज लगे थे एंड भाई 3 डेज मेरे आ गए थे। तो और बट यहाँ पे आप लोग के कमेंट के हिसाब से भाई मुझे लगता है कि जिनका इनका मतलब जैसा एड्रेस है आप लोग का, जहाँ पे घर बहुत दूर है जिनका इनका एंड जो फायरबोल्ट का जो जहाँ से आता है नोएडा से आता है दिल्ली, तो आप लोग जानते हो नोएडा दिल्ली में एंड वहाँ से भाई काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ता होगा। तो जिनका घर दूर है भाई उन्हें ज़्यादा दिन लगता होगा आने में उनके घर तक एड्रेस तक पहुँचने में। तो ऐसा ही कुछ होगा क्योंकि भाई काफ़ी सारे बंदे बोलते हैं मुझे 2 मंथ्स लगे, कोई बोलता है भाई मुझे तो 10 से 15 डेज में मिल गए हैं। तो आप लोग उस वीडियो के कमेंट जाके पढ़ सकते हो, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, कोई बोल रहा है भाई 10 से 15 डेज लगा है एंड मैंने भी नॉर्मल फिर सबको यही एवरेज रिप्लाई में दिया कि भाई आपको 10 से 15 डेज लग जाता है, क्योंकि भाई इतना दिन भाई एफिशिएंट होता है किसी के घर तक पहुँचने में एंड किसी का घर भाई काफ़ी ज़्यादा अगर दूर है तो भाई बहुत ज़्यादा दिन लगता है एक्चुअली में। फ्लिपकार्ट देखो ये डायरेक्ट फ्लिपकार्ट आपको डिलीवरी नहीं कर रहा है। देखो ये जो फायरबोल्ट कंपनी ने रिप्लेसमेंट के बाद ये फायरबोल्ट कंपनी आपको डिलीवर करती है, तो वो शायद बहुत ज़्यादा दिन लगा देती है कभी कभी। और दूसरा सवाल है ये कि भाई आपको इस वॉच में क्या क्या देना पड़ता है रिटर्न करने वक्त, और जो वॉच है भाई वो उसका कलर चेंज होता है या नहीं। तो देखो सबसे पहला सवाल ये है कि इस वॉच के अंदर आपको जितने भी एसेसरीज आपको न्यू में मिलता है, नया वॉच में आपको जो भी एसेसरीज के अंदर रहता है वो सारे आपको पैक करके देने पड़ेंगे, चार्जर से लेके इसका वारंटी गारंटी जो भी कार्ड भाई अंदर में रहता है, और वॉच साथ में लेना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। तो सारी चीज़ें आपको इसमें पैक करनी है, भाई डिलीवरी वो आपके घर तक आएगा एंड उसको आपको ये दे देना है पैक करके। बट यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे आपके डिलीवरी बॉय जो आएगा वो चेक करेगा भाई बॉक्स के अंदर वॉच से लेके जितने एसेसरीज होते हैं वो है कि नहीं एंड भाई वो चेक करने के बाद वो एक फ़ोटो कहीं सेंड करता है शायद कंपनी वगैरह को, जो भी होगा मुझे नहीं पता। तो मैंने इस वीडियो में दिखाया था प्रीवियस वीडियो में जैसे उन्होंने किया वही मैं आपको बता रहा हूँ। वो चेक करेगा एंड उसके बाद भाई वहाँ पे आपके सामने वो डिलीवरी बॉय बस एक पन्नी से यानी पैक कर देगा, वो रैपर के अंदर पैक कर देंगे आपके सामने ही एंड उसके बाद आपको वहाँ पे वो एक बिल देंगे, उसमें आपका ट्रैक नंबर लिखा रहेगा और उस ट्रैक नंबर से आप भाई ट्रैक कर सकते हो आपका वॉच कहाँ तक आया है रिटर्न पे। तो वैसे ही बस आपको वो बिल रखना है जब तक आपका वॉच आपको नहीं मिलता है तब तक, तो वो बिल आपको रखे रहना है, वो एक तरह सबके पास सबूत हो गया कि आपने वो वॉच को रिटर्न किया है। तो यही था भाई कुछ इसका प्रोसेस एंड भाई इसी में तीसरा सवाल है कि भाई आप अगर आपके पास ब्लैक वॉच है तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हो रिप्लेसमेंट में या नहीं कर सकते। तो भाई इसका जवाब है भाई आप नहीं कर सकते, आपको जो वॉच आपको मिला था वही वॉच मिलेगा। और भाई बहुत के ये कमेंट आते हैं कि भाई हम कंप्लेंट कहाँ पे करें, तो आप भाई इनके साइट पे जाओ, फायरबोल्ट के साइट पे जाके वहाँ पे आपको भाई कंप्लेंट का सेक्शन दिखेगा, तो वहाँ पे आप नॉर्मली कंप्लेंट करो एंड भाई उन्हें बताओ ऐसे ऐसे बात हो गया, तो वो आपसे बात करेंगे एंड उसके बाद वो आपको शायद एक कूपन कोड देते हैं, तो उससे भाई आप फिर आगे के प्रोसेस कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे एक और कमेंट है ये है, देखो माई वॉच इज फायरबोल्ट निंजा कॉल प्रो प्लस, रिटर्न दिस एंड कैन वी गेट अनदर फायरबोल्ट टैंक स्मार्ट वॉच। तो देखो यहाँ पे भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपके साथ, तो ये जो मैं रिटर्न करूँगा फायरबोल्ट का निंजा प्रो मैक्स, तो मुझे यही सेम वॉच मिलेगा, आपको यहाँ पे अनदर वॉच देखने को नहीं मिलता है, ना ही आपको भाई अनदर कलर देखने को मिलेगा, ना ही आपको अनदर वॉच मिलेगा। तो देखो यहाँ पे एक और कमेंट है कि भाई ब्रो रिप्लेसमेंट करते टाइम डिलीवरी बॉय कौन सा डॉक्यूमेंट लेते हैं, प्लीज हेल्प, प्लीज इनवॉइस पीडीएफ की प्रिंट चाहिए क्या।
तो देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बस आपका जो ये बॉक्स है एंड बॉक्स के अंदर आपके जितने एक्सेसरीज थे मैंने आपको पहले ही बताया, तो वही बस आपको लगेंगे। एंड जो जो ऐसा नहीं कि आपके पास जो आपका फ्लिपकार्ट का पहले से आपने फ्लिपकार्ट से मंगाया मान लो या अमेजन से मंगाया उसमें जो आपको बिल दिया हुआ था वो बिल आपको नहीं चाहिए, आपको बस इसमें बॉक्स में जितने के एक्सेसरीज मिले हैं बस आप उसको पैक करके दे दो। तो भाई आपका तो आंसर आपको शायद मिल गया हो कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस बॉक्स में जितने भी एक्सेसरीज वो आपको देना है। और मैं उसी के साथ भाई मैंने इसका रिप्लाई दिया था, ये तो ये बोले थे थैंक यू ब्रो यू जस्ट डिजर्व मिलियन सब्सक्राइबर, थैंक यू भाई बहुत बहुत दिल से थैंक यू। एंड भाई आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट करो भाई, जल्दी से 1K प्लीज कर दो। और भाई एक कमेंट और है यहाँ पे, भाई मेरे पास बॉक्स नहीं है क्या करूँ? तो भाई ये तो मैं नहीं बता सकता, एक बार आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपके पास बॉक्स नहीं है तो आपके पास जब डिलीवरी हुआ आता है तो उसको आप बताओ समझा दो थोड़ा सा कि मेरे पास बॉक्स नहीं है खो गया वगैरह वगैरह, आप जितने भी एसेसरीज थे पहले से इसमें इसके अंदर तो वो आप उनको दे दो, शायद वो मान जाए तो ठीक है। एंड भाई देखना कहीं कुछ रुपया देके भी काम बन जाता आपका तो ठीक है भाई, और देखना कुछ जुगाड़ लगा लेना। और क्या है भाई मैं इसका जवाब दे सकता हूँ, भाई मैंने तो आज से पहले ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया है भाई, ना ही ऐसी कोई वीडियोस वगैरह देखी है आज से पहले, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप एक बार बस ट्राई कर सकते हो, डिलीवरी बॉय को भाई जस्ट मना लेना और क्या ही कर सकते, क्योंकि भाई जब ये रिप्लेसमेंट होने जाता है तो वॉच में कुछ बचता नहीं, क्योंकि अगर उसमें वाटर वगैरह चले जाता है तो फिर भाई वॉच में सारी चीज़ें खराब हो जाती है लगभग, तो इसलिए भाई वो लोग बॉक्स का करेंगे क्या, तो एक बार देख लेना भाई आप डिलीवरी बॉय से बात करके, तो अगर वो मान जाए तो ठीक है। एंड तो यही थे कुछ सवाल भाई, ऐसे तो बहुत सारे और भी हैं तो बट मुझे जो सही लगा भाई मेन सवाल तो यही थे कुछ। और भाई लास्ट का एक और सवाल भाई यहाँ पे, ये न्यू वॉच है या रिफर्बिश्ड वॉच? तो भाई ये एकदम आपको न्यू वॉच देते हैं एकदम भाई न्यू पैकिंग के साथ एंड भाई न्यू बॉक्स वगैरह सारी चीज़ें न्यू मिलता है, और भाई सारी चीज़ें आपको न्यू मिलती हैं यहाँ पे, आपको कोई भी तरीके का रिफर्बिश्ड वॉच नहीं मिलता है। तो यही थे कुछ आज की वीडियो, ये इसी में मैंने बताया आपको कुछ जवाबों के सवाल, तो मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा एक्चुअली में, तो कई सारे भाई क्वेश्चंस आए हैं बट मुझे जो उसमें से इम्पोर्टेंट लगा उसी का मैंने जवाब दिया जो मेन सवाल थे। एंड वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, तो मिलते हैं फिर से ऐसे किसी और वीडियो के साथ वापस, बाय।